ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क के लिए एज अ कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जो डीएसपी होता है वो एएसपी से हमेशा ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है। सबसे पहले एडवांटेज के ऊपर जम करता है जो है एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि डीएसपी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू एएसपी। ऐसा क्यों? क्योंकि एएसपी जो है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट टॉलरेंस या ब्रेकडाउन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, और दूसरी चीज़ और इसमें नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा एडवांटेजेस है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि जो डीएसपी है वो एक्यूरेसी गारंटी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी है वो नंबर ऑफ बिट से डिटरमाइन की जाती है, ठीक है, इसलिए वो एक्यूरेसी गारंटीड भी होता है। सेकंड इज परफेक्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज तुम एक फॉर एग्जांपल सॉन्ग बनाते हो, सॉन्ग शूट करते हो जिसमें डीएसपी यूज होता है, तो जब तुम सॉन्ग लिसन करोगे, मतलब जो आउटपुट सॉन्ग आएगा जब तुम लिसन करोगे तो मतलब रिप्रोड्यूस करोगे तो वो जो सॉन्ग है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ठीक है, वो परफेक्ट होगा। तो इसका मतलब है परफेक्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी। थर्ड इज मैथमेटिकल प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये है कि डीएसपी में जो मैथमेटिकल अल्गोरिदम्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल अल्गोरिदम्स भी आप पकड़ सकते हो, वो इजीली इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है, और इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू एएसपी। एंड फोर्थ इज डेटा लॉगिंग। इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज़, फॉर फर्दर यूज़, इसको डेटा लॉगिंग कहा जाता है और ये डीएसपी में पाया जाता है। एंड फिफ्थ इज लो फ्रिक्वेंसी कैपेबिलिटी। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है वो डीएसपी को सौंपी गई है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हैंडल करने का वरदान वो डीएसपी के पास है, ठीक है, और एएसपी के पास नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एडवांटेजेस ऑफ डीएसपी और एएसपी समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।